रिज्यूमे कैसे लिखते हैं और उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसका क्या यूज़ होता है, ठीक है? सो आई कैन शो यू. अच्छा, रिज्यूमे पता है क्या होता है? नो. ओके, अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो ना, ठीक है, अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको रिज्यूमे देना पड़ता है. रिज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपका एक, आप कह सकते हो कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि आप अपना रिज्यूमे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्या उसमें आपने मेंशन किया है या क्या नहीं मेंशन किया है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग. मतलब मैम, आपका, हाँ, एक एप्लीकेशन टाइप. एक एप्लीकेशन टाइप होता है जिसमें आपने क्या पढ़ा है, आपने आपका नाम क्या, आपकी ईमेल क्या है, आपका आपने क्या पढ़ाई की है, आपने पहले काम कहीं किया है या नहीं किया है, उसमें सब लिखा होता है. ये देखो, ये एक रिज्यूम है, ठीक है? हाँ, ये एक लड़की है चंचल, जिसका रिज्यूमे है. यहाँ पे देखो, सबसे पहले उनका एड्रेस लिखा गया है, फिर ईमेल लिखा गया है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर उनका लिखा गया है, फिर उनका नाम है, फिर आप जितना भी अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बना सकते हो. ये नहीं कि फूल पत्ती बना दो, ऐसा कुछ नहीं, इन अ राइटिंग सेंस में बोल रही हूँ, ठीक है? नाउ सी व्हाट शी हैज रिटन एज करियर ऑब्जेक्टिव. मतलब इनका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू टेक अप, पढ़ो इसको, उत्कर्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उत्कर्ष यस मैम. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैम मैम क्या मैं करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ना? हाँ, करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ो. टू टेक अप द चैलेंजिंग रोल इन द फील्ड. फील्ड ऑफ क्या हुआ? जीनियल एनर्जी एंड नॉलेज विथ माय पॉजिटिव वेट एटीट्यूड. वेट 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 फील्ड ऑफ के बाद सुनाई नहीं दिया उत्कर्ष, एक बार फिर से पढ़ दो. फील्ड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस. एनालिसिस हाँ, मॉडर्न टेक्निक्स एंड एक्सेल देम बाय अप्लाइंग माय जीएल जील एनर्जी. जील जील. ओके, जील एनर्जी एंड नॉलेज विथ माय एक मिनट. हाँ, एनर्जी एंड एंड नॉलेज विथ माय पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड नीलो मैम क्या. कहाँ पे? हेलो मैम, आप क्या बताए तो बताइए ना, मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं था. मैं यही बता रही थी अभी अभी. ये उत्कर्ष उसकी रीडिंग कर रहा है करियर ऑब्जेक्टिव की. ओके मैम. नेगोटिएशन स्किल. ओके, वेट वेट वेट. नेगोशिएशन. नेगोशिएशन स्किल. नेगोशिएशन मतलब जैसे होता है कि किसी चीज के, अगर अगर मैं मुझे कोई चीज बोली गई है कि ये आपको करना है, ठीक है, तो मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है या मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो हम आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे. अब जैसे होता नहीं है कि अगर मान लो, अगर हम मार्केट गए हैं वेजिटेबल लेने, सब्जी लेने, ठीक है, तो अगर सब्जी वाले ने बोला 20 रुपए का आलू है, ठीक है, 20 रुपए पर केजी आलू है, 20 रुपीज, तो हम क्या कहते हैं, नहीं भैया 15 लगा लो ना, नहीं भैया 10 लगा लो ना. नेगोशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? यस मैम, बार्गेनिंग. हाँ, बार्गेनिंग कह सकते हो, बट बार्गेनिंग इज अनदर वर्ड जो कि सिर्फ, मतलब आप कोई चीज सस्ता करवाने या किसी चीज के लिए भी कर सकते हो, बट नेगोशिएशन ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? ओके मैम. मतलब वही था, सही मतलब था आपका. हाँ, फिर नेगोशिएशन के बाद. नेगोशिएशन स्किल टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडिंग द वैल्यू ऑफ माई सेल्फ. आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो.
करेंट स्टेटस हाँ पीएचडी इन जियोलॉजी फॉर जीवाजी नहीं, वेट वेट वेट, यूनिवर्सिटी हाँ ग्वालियर। जूलॉजी, पीएचडी इन जूलॉजी, पीएचडी इन जूलॉजी फ्रॉम जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। टीचिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन मेलिटन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज साइंस टीचर इन 2003। लेक्चर इन मिनियोलॉजी डिलीवर्ड टू ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर बी आर ए बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा फ्रॉम 2007 टू 2009। रिसर्च एक्सपीरियंस 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन फील्ड टू टैक्सियोलॉजी एज रिसर्च होल्डर टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी एज रिसर्च सोलर ड्यूरिंग MPHII। 3 months रिसर्च एक्सपीरियंस एट टेक्निकल बस, ठीक है ठीक असिस्टेंट। है ठीक है ठीक है, नाउ दैट्स ऑल। अब देखो, इन्होंने अपना रिसर्च एक्सपीरियंस लिखा है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, 10th किया, फिर 12th किया, फिर BSc किया, फिर MSc किया, फिर MPhil किया। अब फिर इनका पर्सनल क्वालिफिकेशन की इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। एक बार ये चीज़ हो गई। अब ये जान लो कि डूज एंड डोंट्स, मतलब हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए रिज्यूमे लिखते वक्त। नाउ सबसे पहले डूज, हमें क्या करना चाहिए, फोकस ऑन पॉजिटिव रिजल्ट्स। हमेशा हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्ट्रॉन्ग, आवाज आ रही है, यस मैम। फिर क्रिएट स्ट्रॉन्ग, क्रिएट स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स। हमें एक्शन ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स वहाँ पे लिखने चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे काम को बताएं। फिर हमें आसान, मतलब इजली रीडेबल होना चाहिए कि आसानी से पढ़ा जा सके। ऐसा नहीं कि ओ भाई कोई पढ़ ही नहीं पा रहा, इतना तुम लोग ने हाई फाई लिख दिया या इतना ही लो लिख दिया कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। फिर क्या होना चाहिए, एक मिनट, हाँ, फिर हमें जो भी हमारी में स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं उसको हमें हाईलाइट कर देना चाहिए। मतलब कि अगर जो लगता है कि मेन है, हम इसमें हमने ये अच्छा किया है, मतलब अपने लाइफ में, तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए। फिर क्या होता है, हमें अपने रिज्यूमे को ये देखना चाहिए कि अगर हमें जॉब करनी है या नहीं करनी है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो स्पेसिफिक रिज्यूमे है वो जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें अच्छे से क्या हो, कि मतलब हमें कैसे जॉब चाहिए, हमें क्या, हम क्या, हमारी क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हमें सब उसमें मेंशन करना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके, क्वालिफाई मैम ऊपर एंड क्वांटिटी फाई योर एक्सपीरियंस वेन एवर पॉसिबल। अब देखो, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो भी मैटर करता है, वो भी आपको लिखना चाहिए। मान लो आप किसी और स्कूल में स्विच करना चाहते हो और आप पहले कहीं और पढ़ा रहे थे, तो आपने वहाँ पे 8 साल पढ़ाया, तो 8 साल इज नॉट अ छोटा टाइम ना, 8 साल बहुत ज्यादा टाइम होते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो आप उसमें ये मेंशन करोगे, ठीक है, कि मैंने 8 साल भी पढ़ाया है, पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, वर्क एक्सपीरियंस। मैम फिर दूसरे उसके स्कूल के लिए भी दूसरा रिज्यूमे देना पड़ेगा ना मतलब, मैम? जैसे हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, मतलब वो टीचर बनने के लिए जा रहे, तो मैम दूसरे स्कूल में भी रिज्यूमे देना पड़ेगा ना? फिर उसके बाद है डोंट्स, हमें क्या नहीं लिखना चाहिए। फिर हमें क्या नहीं लिखना चाहिए, एक मिनट, हाँ, हमारा जो स्टेटमेंट होना चाहिए उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बेसिकली हम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर
टू पेजेस से ज्यादा कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद इतना समझ आया आपको? यस मैम, हाँ, यस मैम, फिर हमें जो जिसके बारे में बताना है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैं अच्छी अच्छी डॉटर हूँ या अच्छा सन हूँ तो मैं ऐसे कर लेता हूँ तो मेरी मम्मी मेरी बड़ी तारीफ करती है, इंग्लिश में मैं मतलब। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट आना है कि जो आपको जिस चीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है? आपके पास कोई सॉरी मैं आपको ना एक फॉर्मेट देती हूँ कि आप कैसे क्या फॉलो कर सकते हो, ठीक है? एक हाँ, अब चलो मैं तुम लोग को एक अच्छा रिज्यूमे दिखाती हूँ और एक खराब रिज्यूमे दिखाती हूँ। रुको, मैम खराब मतलब कैसा होगा शायद? वैसे लिखने में खराब मतलब कि जो आप लिखोगे कंटेंट वो एक्यूरेट नहीं है, उल्टा सीधा है। ओके मैम, ये देखो, ये देखो, अब इन दोनों के रिज्यूमे में क्या फर्क है? एक ही इंसान का है, ठीक है? लेकिन इसने सब चीज नॉर्मल पॉइंट्स में लिखी है और इन्होंने क्या किया है, पैरा 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 लिखते गए। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस मैम, यस मैम, ए, यस किसका ज्यादा प्रेजेंटेबल बन रहा है, लग रहा है, मतलब ये वाला या ये वाला? राइट मैम, राइट हैंड वाला जहाँ पे। हैंड। हाँ, अब चलो जरा ऋतुजा रीड करो कि क्या लिखा है। पढ़ लोगी क्या? ओके ओके मैम, कौन सा वाला पढ़ना है? इधर वाला, राइट वाला? ये वाला, ये वाला जिस पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ। ओके मैम, वन सेकंड मैम। शिट, सॉरी सॉरी, एक मिनट। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 213 ए टू 217 9 रिसोर्सेस। हेलो मैम, हाँ, ENC मतलब कहाँ पे लिखा है? मैम ऑर्गेनाइजेशन में, अभ्यव के बाद में। हाँ मैम, वही। ऑर्गेनाइजेशन में इनका कंपनी का नाम होगा। ओके मैम, द स्कोप ऑफ वर्क मैम, आपका आपका वो एरो हटाइए। नाउ लिसन लिसन लिसन, मैं बता रही हूँ। देखो, इन्होंने अपने सॉफ्ट स्किल्स लिखे हैं, ठीक है? और इन्होंने ऐसे ही वर्क एक्सपीरियंस को ऐसे एकदम पैरा 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 में लिख दिया है। और इनका वर्क एक्सपीरियंस देखो कैसे है। सबसे पहले फोन है, ईमेल एड्रेस है, अगर इनका लिंक्डइन आईडी है, यहाँ पे इनका ट्विटर आईडी है। देखो, 2013 से फिर 8 तक इन्होंने, 2008 से 2013 तक इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की तरह काम किया। फिर 9 से लेके 17 तक इन्होंने इस कंपनी में काम किया। और इन्होंने क्या क्या हैंडल किया, मैनेज रिक्रूटमेंट ऑफ 32 की एम्प्लॉयज, 32 की एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट किया। फिर ये देखो, ये सब इन्होंने किया। फिर उसके बाद फिर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की इनकी क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं, मतलब इनका कम्युनिकेशन कैसा है, ये अपने बारे में बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इनका कैसा है, परसुएशन इनका कैसा है, ये सब ये बता रहे हैं। हार्ड स्किल्स में एक्सपर्ट रिक्रूटिंग इनका, इंटरव्यूइंग, ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉय रिलेशन, ये क्या करते थे। और फिर लैंग्वेजेस इनको कौन कौन सी आती है, सर्टिफिकेट्स इनके कौन कौन से थे, एडिशनल अगर इनको कोई एक्टिविटी आती है मतलब सबसे हट के तो वो डाल सकते हैं। फिर एजुकेशन इन्होंने कहाँ से की है वो डालना है, ठीक है? ये सब डाला जाता है। और देखो यहाँ पे एकेडमिक डिटेल डाला सीधा कि हमने ये किया है, फिर लैंग्वेज डाल दिया कि हमको ये वाली भाषा आती है, और उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा बड़ा वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया। वर्क एक्सपीरियंस देखो इन्होंने भी लिखा है, लेकिन इसको पॉइंट्स में लिखा, और इन्होंने पूरा ग्रुप बना दिया। तो क्या हम पढ़ेंगे, हमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? मैम वो रॉन्ग वाले में तो नहीं आएगा, लेकिन मैम सही वाले में आएगा। हाँ भाई, फिर उसके बाद इन्होंने हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स लिख दी, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कहीं से चीटिंग करके लिख दिया। अब हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। फिर उसके बाद इनके पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं, कहाँ पे इनकी पब्लिश होती है, फिर
फिर इनका कॉन्फिडेंस क्या है। समझ आ गया ना कैसे क्या करना है, एक अच्छा रिज्यूमे और एक खराब रिज्यूमे में क्या फर्क होता है। यस मैम।